आज मुझे बहुत खुशी है कि हमने जो संकल्प कोटद्वार के विकास का लिया था, टाइगर रिजर्व में पहले हिंदुस्तान की टाइगर सफारी के रूप में, पाखरो टाइगर सफारी के रूप में, आज उसके बाड़े के लिए, उसके व्याख्यान म्यूजियम व्याख्यान केंद्र के लिए आज हमने शासनादेश जारी किया है। और तेजी के साथ बनने के, इस टाइगर सफारी के बनने के बाद पूरे देश और दुनिया के टाइगर प्रेमी, पशु पक्षी प्रेमी इस टाइगर सफारी को देखने के लिए आएंगे। और इससे कोटद्वार और पौड़ी जनपद का और उत्तराखंड का जो विकास होगा, शायद उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। आज मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने पिछले 3-4 सालों से जो लगातार मैं कोशिश कर रहा था, प्रयास कर रहा था, आज उसको हम धरातल पर उतारने में कामयाब हुए। खुशी है कि वर्षों पुरानी मांग, जिसके लिए हमने संघर्ष किया, लाडन चिलरखाल सड़क कोटद्वार और हरिद्वार को जोड़ने के लिए, आज प्रदेश की सरकार ने तमाम नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की स्वीकृति, माननीय सुप्रीम कोर्ट के सहमति और दिशा निर्देशों के अनुरूप आज शासनादेश जारी किया है। अब इस मोटर मार्ग का बनने का रास्ता प्रशस्त हुआ है और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार बरसात से पहले ये मोटर मार्ग बनकर तैयार हो जाएगा। और इससे जो जो पीड़ा जो हमने कोरोना महामारी के दौरान महसूस की कि पौड़ी जनपद वासियों को अगर कोई बीमार था, एम्स या किसी हॉस्पिटल में उसको आना था, तो उसको बिजनौर जिले की परमिशन लेने की भी आवश्यकता पड़ रही थी। इस सड़क का महत्व हमें हमें कोरोना महामारी में के दौरान ज्यादा महसूस हुआ है। और आज मुझे खुशी है कि आज इस मोटर मार्ग का हम शासनादेश हमने जारी किया।